बड़ी खबर बता देती है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने पार्षदों को संबोधित किया है। जोशी ने कहा बीजेपी ने मुंह की खाई है, अब सभी को एकजुट हो रहकर मेयर और डिप्टी मेयर चुनना है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक हो रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की आवास पर हो रही है बैठक। मुख्य सचेतक डॉक्टर जोशी ने पार्षदों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुंह की खाई है, अब सभी को एकजुट रहकर मेयर और डिप्टी मेयर चुनना है। और हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पर अधिक जानकारी देने के संवाददाता रहमतुल्ला खां। रहमत, क्या ये बैठक अभी भी जारी है? बिल्कुल, जो खाचरियावास पर ये सभी जो नवनिर्वाचित जो पार्षद उनकी बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी सर पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा उन्होंने मुंह की खाई, इस तरह के बात कही और इन सभी पार्षदों की बाड़ेबंदी होगी। जो दिल्ली रोड पर होटल है वहां पर बाड़ेबंदी होगी। और अभी एक इसमें एक अपडेट ये भी ताजा आ रही है कि 4 से 5 निर्दलीय पार्षद है वो इस बैठक में पहुंचे, यानी कि इनकी संख्या 47 से पूरी 51 से 52 जो हो गई पार्षदों की संख्या, यानी कि अभी इनके बहुमत का आंकड़ा जो कांग्रेस छू चुकी है। अगर निर्दलीय समर्थ जो पार्षद उनकी साथ में बातचीत करें तो फिलहाल इनकी बैठक पूरी हो चुकी है। अब सीधे इनको ले जाया जा रहा है होटल मिलने जहाँ पर इनकी बाड़ाबंदी होगी। प्रेस एक्शन के नाम पर बाड़ाबंदी होगी। 10 तारीख को जब महापौर के चुनाव होंगे तब तक ये बाड़ाबंदी रहेगी। ग्रेटर में जब बात करें तो ग्रेटर में स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास है, इसमें किसी प्रकार की कोई कांग्रेस को यानी कांग्रेस नहीं कर सकती। हेरिटेज में जो निर्दलीय पार्षद है उसके अलावा और भी पार्षद आएंगे निर्दलीय, वो कांग्रेस के साथ आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल 5 पार्षद वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल हेरिटेज में जो है कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन रहमतुल्ला, इस दौरान खुद इस बैठक में बीजेपी पर निशाना साधा गया है, तो उनसे कहा गया है कि बीजेपी ने मुंह की खाई है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि सिर्फ हम ही जीतेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंस थी कि वो जीतेंगे और बीजेपी ने सेंधमारी जरूर की, किसी सेंधमारी ऐसे कहा जाएगा कि जब हेरिटेज में और ग्रेटर में दोनों जगह कांग्रेस अपना बहुमत मान रही थी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने अपना सेंधमारी की, क्योंकि दरअसल जो विधायक स्थानीय विधायक होते हैं उनका बोलबाला अपने क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो मालवीय नगर विधायक जो है कालीचरण सरा बीजेपी के हैं, सांगानेर में लाहौटी अशोक लाहौटी वो भी बीजेपी के हैं, और झोटवाड़ा माला के लालचंद कटारिया है, बगरू में गंगा देवी जो है कांग्रेस की है, लालचंद कटारिया भी कांग्रेस के, लेकिन इस तरह के सांगनेर और मालवीय नगर में बीजेपी का दबदबा रहा है और कुछ झोटवाड़ा में भी कहीं ना कहीं सेंधमारी जरूर की। तो एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो बीजेपी के लिए एक ये यानी कि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन अगर पा लिया है तो जरूर उनके लिए कांग्रेस के लिए खोने की बात होगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। लेकिन 6 जगह कांग्रेस दावा कर रही है कि 6 जगह उनका, 6 में से 4 जगह उनका वोट बन रहा है। अगर 4 जगह वोट बनता है तो कांग्रेस के लिए दोनों हाथ घी में है। चलिए, बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता दिया आपको कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक की जा रही है।